IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। और इसका इंतजार हर किसी को बेसब्री से रहता है, हमें भी रहता है, और हर कोई अपना फेवरेट कलर किसी न किसी को लगाना चाहता है। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि रंगों का त्योहार है होली, और रंगों की बात होते ही ऊर्जा, उत्साह, उमंग जग जाता है। तो रंगों का त्योहार होली, इसका खास ख्याल रखते हुए हर कोई मस्ती में डूबा हुआ है, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि ये त्योहार ऐसा है कि जो एक दिन नहीं बल्कि हफ्ते भर तक चलता है। 10 दिन तक लोग कहीं कहीं होली मनाते हैं, और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि होली रंगों का त्योहार है, खुशहाली लेकर आता है। और कहते हैं कि गिले शिकवे भूल के दोस्त दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। जी हाँ, दुश्मन को भी गले लगाने का ये त्योहार है। बहुत से संदेश भी देता है ये त्योहार, और संदेश में अलग अलग रंग आपको भरपूर मजा लेकर खुलकर जीने के लिए प्रेरित भी करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में रंगों को ज्योतिष से भी जोड़ा गया है, यानी कि आप ज्योतिष के जरिए अपना शुभ रंग जान सकते हैं, और यही शुभ रंग आपकी किस्मत बदल देगा। तो चलिए जानते हैं होली के इन इंद्रधनुषी रंगों के बारे में। और इस खास चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य सुनीता छाबड़ा जी। बहुत स्वागत है, हैप्पी होली सुनीता आपको। अजय भाभी जी, बहुत बहुत बधाई अजय जी आपको होली की। पर मैं नाराज हूँ आपसे जी, ये ब्लैक रंग क्यों, होली में ब्लैक रंग नहीं चलता है, नाराज हो जाएंगे लोग। इसमें कोई रंग चढ़ता नहीं, इसमें चढ़ता नहीं, इसलिए आप आए। चलिए, दो और खास मेहमान हैं, जरा उनको भी रंग दे थोड़ा सा। अजय भाभी जी और सुनीता छाबड़ा के अलावा हमारे साथ लखनऊ से भविष्य वक्ता विमल सिंह जी मौजूद हैं। विमल जी, हैप्पी होली, बहुत बहुत बधाई हो आपको। आप लोगों को भी बहुत बहुत मुबारक हो, नमस्कार होली का। थैंक यू, थैंक यू। मुंबई से ज्योतिष आचार्य सुशील कुमार जोशी जी। सुशील जी, बहुत बधाई हो आपको, आप पूरी तरह से रंगे नजर आ रहे हैं मुझे होली के रंग में। आप सबका भी आईबीएन 7 की पूरी टीम को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम सभी से जानेंगे पर्व क्यों खास है, क्या खास है इस बार होली में, कौन सा रंग क्या लेकर आया है, आपकी किस्मत के हिसाब से, आपके ग्रहों के हिसाब से किस तरीके से आप होली मना सकते हैं, कौन सा रंग रंग सकते हैं। उससे पहले भाई, हमारे तमाम दर्शकों को जो हमें देख रहे हैं इस वक्त, होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही साथ एक मैसेज भी आईबीएन 7 अपने दर्शकों को देता है, होली खेलिए लेकिन बिल्कुल सेफली, साफ सुथरे तरीके से आप होली खेलिए। वैसे होली साफ सुथरी होती नहीं, तो साफ सुथरी का मतलब कि मन में कोई गलत भावना नहीं होनी चाहिए, अच्छी भावना के साथ आप जाएं और सबको रंग लगाएं। चर्चा शुरू करते हैं, होली मनाते हैं, लेकिन आपको बताएं होली मनाते क्यों हैं? ये सवाल सबसे इम्पोर्टेंट है। भाभी जी, जरा आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए, होली क्यों मनाते हैं हम? होली इसलिए मनाते हैं कि प्राचीन काल में एक हिरण्यकश्यप नाम का राक्षस था, और जो चाहता था कि उसके राज्य में सब लोग उसकी पूजा करें, और वो किसी भी देवी देवता को नहीं मानता था। उसका दुर्भाग्य यह था कि उसका जो बेटा था प्रहलाद, वो भगवान विष्णु का बड़ा भारी भक्त था, तो वो उससे बहुत नाराज़ था। और उसकी एक बहन भी थी हिरण्यकश्यप की, जिसको ये वरदान था कि जिसको भी अग्नि में लेके बैठेगी वो आदमी जल जाएगा। बिल्कुल। तो जब इसकी उसको लगा कि प्रहलाद नहीं मानता है, तो उसके साथ अपनी बहन को बोला कि आप इसको लेकर अग्नि में बैठ जाओ और ये उसमें जल के राख हो जाएगा। हुआ उल्टा, वो तो जली नहीं, वह लड़का तो जला नहीं, हंसता हुआ बाहर आ गया प्रहलाद, और होली जो थी उसका दहन हो गया। तो होली का दहन उस दिन से, होली का यानी मन के अंदर कोई भी अगर नेगेटिविटी है, गलत भावनाएं हैं, तो उसको उस होली की अग्नि में ही प्रज्वलित कर देना चाहिए, आप प्योर हो जाते हैं, पॉजिटिविटी आपके अंदर। ये तो यहाँ से था। और दूसरा है कृष्ण और राधा की होली, गोपियों की होली, ये तो बहुत फेमस है, वो अलग होली है, वो सेलिब्रेशन है। वहाँ पर एक दुख से सुख की यात्रा है, जो बुराई है उसका आपने हनन कर दिया, उसकी आपने जला दिया, दहन कर दिया, और उसके बाद सेलिब्रेशन जो है वो कृष्ण भगवान ने शुरू किया। सुनीता, वैसे तो हर किसी का फेवरेट रंग होता है, और मुझे याद है, पहले आप मुझे ये बताइए, बचपन में आप कौन से रंग से होली खेला करती थी? मुझे तो वैसे होली से बहुत डर लगता है। मतलब आपने बचपन से होली नहीं खेली? नहीं खेली है, वो भी जबरदस्ती लगाई गई है, मतलब मुझे डर लगता है रंगों को देख के। इसलिए मैं, आपने जैसे कहा ना प्ले सेफ, उससे मेरा ख्याल में ये आपका अर्थ था कि नेचुरल कलर से खेलो, और सिंथेटिक और ऐसे कलर से नहीं खेलो। वैसे एक बात है, जो हम कहते हैं बुरा न मानो होली है, इसका अर्थ ही यही होता है कि जो भी आपसी हमारी नाराज़गी होती है, गिले शिकवे होते हैं, जो हमारे दिल में एक दूसरे के लिए मतभेद होते हैं, उन सबको दूर करके होली मनाए।
इसके पीछे एक कहानी है कि जो भगवान कृष्ण थे वो बाल्यकाल में पूतना के दूध के विष फैले, दूध के कारण कृष्ण रंग के हो गए थे। तो जब और उनको राधा बड़ी सुंदर थी, बहुत सुंदर थी, तो वो अपनी माँ के पास गए और उन्होंने बोला कि देखो वो तो रूठती हैं, कभी इतराती हैं और इतनी सुंदर होने का उनको तो बहुत गर्व है। तो माँ ने कहा एक काम करो, जाके गुलाल उसको भी लगा लो और खुद पर भी लगा लो, एक रंग हो जाओगे और नाराज़गी दूर हो जाएगी। बस उसी दिन से ही बुरा न मानो होली है, बस रंगों के त्यौहार से होली मनाई जाती है। चलिए रंगों का महत्व हम जानेंगे। विमल जी, वैसे सबसे अहम रंग तो होली का ये कहा जाता है कि जब हम होली खेलने निकलते हैं तो सबसे पहले कहते हैं कि गुलाल लगा दो, यानी गुलाल के बिना होली बिल्कुल अधूरी है। लेकिन वाकई हर रंग का अलग अलग महत्व होता है, थोड़ा सा प्रकाश उस पर डालिए। देखिए हर रंगों में कई रंग होता है, हर एक रंग में कई रंग छुपा होता है। और ये जो रंगों का त्यौहार है होली अपने आप में, जिसके बारे में बांबी जी ने बोला, इतनी अच्छी बातें उन्होंने बताई, हम लोगों को थोड़ी कहानी तो बचपन में सुनी थी लेकिन बहुत अच्छे से उन्होंने बताया। लेकिन होली त्यौहार एक अलग ही खूबसूरत त्यौहार है। जब वो कहते हैं ना हर रंग में हर रंग की एक तरंग होती है, हर रंग और हर रंग, कुछ रंग ऐसे होते हैं जो अगर आप अपने ऊपर डाल लेते हैं तो एक उमंग पैदा होती है, कुछ रंग ऐसे होते हैं जो आपके ऊपर पड़ते हैं तो आपके ख्वाबों की एक अलग पतंग उड़ती है आपके अंदर। तो रंगों का बड़ा जबरदस्त खेल है। और रंग होली तो हम ये मानते हैं कि होली के दिन देखिए सबसे जो जरूरी होता है गुलाल डाला जाता है, उसके पहले हम लोग सबको ये कहते हैं छोटे बच्चे बुजुर्गों को भाई सफ़ेद रंग का कपड़ा पहनो। तो जब सफ़ेद रंग का कपड़ा होता है उस पर जब गुलाल पड़ता है तो गुलाल जो निखर करके आता है, हम ये मानते हैं कि सफ़ेद रंग का एक अपना अलग महत्व है जो सभी रंगों को निखार दे देता है, एकदम खिला देता है। तो हर रंग का अपना महत्व है। बिल्कुल। चलिए सुशील कुमार जोशी जी हमारे साथ हैं, और जोशी जी हम आपसे खास तौर पर ये जानेंगे कि क्या राशि के हिसाब से रंगों का चयन हमें करना चाहिए, क्योंकि हम तो देखिए यही चाहते हैं ना कि होली का दिन है और सभी जो हमारे दुश्मन है वो भी दोस्त मिल जाए, सबसे गले मिलकर हम होली खेलें। तो क्या इस दिन रंग हमारा हमारी हेल्प करेंगे कि हम किसी एक पर्टिकुलर कलर को लेकर जाएं और किसी को लगाएं और वो हमारा मुरीद बन जाए, ऐसा मुमकिन होता है क्या? ऐसा मुमकिन होता है मैडम। एक्चुअल में क्या है कि सबसे पहले राशि आती है मेष राशि जी, तो मेष राशि का जो लॉर्ड है वो है मंगल। तो मंगल का जो कलर होता है वो लाल कलर होता है। लाल करके वैसे शक्ति का प्रतीक है। तो जीवन के अंदर अपने भेदभाव भुला के होली खेले जाती है, तो आपस में गले मिलते हैं, आपस में विचार होता है। तो अनेक रंगों का रंग जो है वो लाल रंग होता है, तो सबसे ऊपर निखार के आता है वो लाल कलर होता है, शक्ति का प्रतीक है लाल कलर है वो। तो इससे मेष राशि वालों को लाल कलर ज्योतिष के हिसाब से काम लेने से उनको काफ़ी जीवन के अंदर खुशहाली मिलता है। रक्त विकार वगैरह किसी को हो तो उसमें भी उनको फायदा होता है। चलिए तो कई एलिमेंट्स इसमें लाल कलर में जुड़े होते हैं। हाँ, दर्शकों को हम साथ ही साथ ये भी बता दें, होता है जी, दर्शकों को बताते जाएं कि जोशी जी हमें आपकी राशि के हिसाब से बताएंगे कि आप कौन से रंग से होली खेलें तो वो आपके लिए, परिवार के लिए और सबके लिए खुशहाली लेकर आएगी। आपने मेष राशि की बात की, साथ ही साथ वृषभ राशि के बारे में भी बता दीजिए। वृषभ राशि का जो लॉर्ड है वो विनस है, शुक्र है। तो विनस के लिए ये कहना चाहेंगे कि सफ़ेद रंग जो होता है वो हर रंग को खिलाता है, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी रंग होता है तो वो सफ़ेदी को अपने निखार में रंग लेता है। तो वृषभ राशि के लिए सफ़ेद रंग काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, और जीवन के अंदर जो ऐश्वर्य के साधन होते हैं और जो जीवन के अंदर शारीरिक दक्षता होती है वो सफ़ेद रंग के द्वारा प्राप्त होती है जी। चलिए हम बाकी राशियों के लिए आपके पास आएंगे जोशी जी, मैं भाभी जी के पास जाना चाहूंगी। रंगों का बहुत अलग महत्व होता है। अच्छा ये बताएं भाभी जी, मैंने बहुत बार ये देखा है कि कोई एक इंसान अगर पर्टिकुलर कलर पहन ले तो उसके चेहरे का नूर बहुत ज्यादा निखर जाता है, भले उसको वो रंग पसंद हो ना हो, लेकिन अगर एक पर्टिकुलर कलर पहन ले तो वो उसके चेहरे का रंग उतना ही डल हो जाता है। ये रंग कैसे हमारे स्वभाव, हमारे चेहरे की भावनाओं को शो कर देते हैं? ऐसा बोलते हैं कि रंग ही जीवन है, और पूरी अगर पृथ्वी को हम देखें तो पृथ्वी जितनी पृथ्वी रंगीन है उसी के हिसाब से हम लोगों ने इस दुनिया में रंग खोजे। तो हर रंग का अपना अपना है, जैसे नीला रंग है तो नीला रंग जो है बिल्कुल अनंत की बात करता है। अगर हम आकाश को देखें तो पूरा नीला दिखता है, अगर समुद्र को देखें तो नीला दिखता है, अगर आप नदी को देखें दूर से तो नीली दिखती है। ऐसी जो हरा रंग है वो बिल्कुल ऊर्जा का रंग मालूम पड़ता है कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे। अच्छा, मैंने बहुत से लोगों को ये देखा है कि उनको किसी पर्टिकुलर कलर से बहुत चिढ़ होती है या फिर नफरत होती है, वो पहनना ही नहीं चाहते। नहीं पहनना चाहते, क्योंकि होता क्या है कि दरअसल इसका संबंध आपकी राशि से होता है, राशि से होता है। और दूसरा क्या है कि कई बार इस पर काफ़ी रिसर्च भी हुआ, रशिया ने काफ़ी रिसर्च किया कि मान लो आपको हाई ब्लड प्रेशर है
और अगर आप लाल तरह के लाल कपड़े पहनती हैं, शार्प लाल रेड, तो आपका जो बीपी है वो शूट अप करेगा। और इसकी जगह पर अगर आप नीले कपड़े पहनते हैं तो अच्छा रंग हो जाएगा। तो जाहिर है कि अगर आपका लाल कपड़े पहन के ज़्यादा हो जाएगा तो आप तनाव में दिखेंगे, गुस्से में दिखेंगे, और अगर आप उसी को नीला पहन लेंगे तो आपके चेहरे का जो नूर है वो आना शुरू हो जाएगा। तो आदमी के जो रंगों का जो उसका चयन होता है, जैसे आपने बोला किसी आदमी को नीला पसंद है तो कोई लाल से हिट करता है, तो कोई काला पसंद है किसी को, और इस तरह से लोगों का रहता है। तो ये उसकी कुंडली में हर ग्रह के अपने रंग है, जैसा वो बता रहे थे वैसे जोशी जी। वैसे भी हर रंग का लाइट में सेवन रेनबो के सेवन कलर्स होते हैं। तो होता क्या है कि साइंस की एक पद्धति होती है जिसमें प्रिज्म में हमने स्कूल में पढ़ा होगा कि वो सेवन कलर्स होते हैं विबग्योर के, और एक व्यक्ति कलर अब्जॉर्ब करता है, बाकी रिफ्लेक्ट करता है, वो जो रिफ्लेक्ट करता है वही कलर दिखता है। यानी अगर रेड आपको कोई ऑब्जेक्ट दिख रही है तो इसका मतलब यह है कि वो बाकी कलर्स एब्जॉर्ब कर लिए। जैसे आपने कहा ना, कोई रंग फपता है किसी के चेहरे पे और कोई रंग नहीं फपता है, तो वो इसी तरह से होता है कि बॉडी बाकी कलर एब्जॉर्ब करती है और कुछ कलर्स रिफ्लेक्ट कर देती है। तो वो हमारी अपनी जो स्किन या ऑरा कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, उस पर कलर ज़्यादा अच्छा लगता है। चलिए रंगों की चर्चा तो हम करते रहेंगे, आपकी राशि के हिसाब से भी बताएंगे कि आपको कौन से रंग से होली खेलनी है ताकि घर में खुशहाली आए, जीवन में खुशहाली आए और आपके अंदर पॉजिटिविटी आए। लेकिन उससे पहले चर्चा तो रंगों की जारी है, बता दें कि देश के अलग अलग हिस्सों में हम आपको लिए चलेंगे जहां पर हमारे तमाम दर्शक होली मना रहे हैं, और साथ ही साथ हम उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनका फेवरेट कलर कौन सा है, और अगर इस बार होली के दिन वो किसी को रंगना चाहेंगे तो कौन से रंग से रंगना चाहेंगे। सबसे पहले हैदराबाद लिए चलते हैं आपको। रेड इसलिए क्योंकि शायद वो बहुत ब्राइट कलर है, एंड जब इट गिव्स अ वेरी ब्राइट एंड नाइस शाइनिंग लुक, सो आई थिंक मुझे रेड बहुत पसंद है एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू प्ले। मेरा फेवरेट कलर येलो है क्योंकि वो बहुत वाइब्रेंट है, हैप्पी कलर है, मुझे बहुत पसंद है येलो, और लगाने में मजा आता है, जल्दी से निकल भी जाता है, तो आफ्टर इफेक्ट्स नहीं रहते उसके ज्यादा। मेरा फेवरेट कलर गुलाल, पिंक, because as soon as you think about holi the first thing that comes to your mind is gulal, so and that is the most preferred color jo sab log lagate hain, so that's my favorite color. mera personal favorite color green hai kyunki wo bahut light hota hai aur bahut dusre color se alag hota hai. when you keep green kisi dusre friend ke ya society members ke face mein wo alag se dikh ke aata hai ki ha isne green lagaya tha, wo alag hi apni pehchan hai green ki. अब इसमें एक चीज तो मुझे समझ में आ गई कि सभी लड़कियों का जो फेवरेट कलर है ना वो पिंक है। अब इसका जवाब भाभी जी से जरूर लेंगे, ये पिंक ही क्यों, सबका पिंक और रेड फेवरेट क्यों होता है गर्ल्स का? रेड कलर है वो हमारी सारी देवियों का जो कलर है, हाँ? चाहे लक्ष्मी हो, इन सबका कलर होता है। तो रेड से क्या है, रेड से उत्साह आता है, नए जीवन की तरंग आती है, और जो पिंक हो जाता है तो उत्साह और ज्ञान दोनों का मिश्रण हो जाता है। सुनीता, आज हम उत्साह और ज्ञान से भरपूर हैं। बिल्कुल, आई एग्री। लाल, हरा, नीला, पीला, सोचिए आप किस रंग से होली खेलेंगे। अगर थोड़ी सी कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन हम दूर कर देते हैं। भाई सबसे अच्छी चीज ये है कि आप अपनी राशि के हिसाब से कलर चुन लीजिए, बस उसके बाद होली खेलिए, पॉजिटिविटी भी आएगी, घर में खुशहाली भी आएगी और होली का त्यौहार भी अच्छा रहेगा। तो हमने बात की अभी तक मेष और वृषभ राशि की, मिथुन और कर्क राशि की बात करेंगे। सुशील जोशी जी के पास चलते हैं। जी सुशील जी, काल पुरुष की तीसरी राशि होती है मिथुन राशि, इस राशि का लॉर्ड होता है बुध, तो हरे कलर से रंग होली खेलने से जीवन के अंदर हमेशा हरियाली रहेगी, और जो बुद्धि का विकास होता है उसका प्रतीक भी हरा रंग माना गया है, व्यापार वृद्धि का प्रतीक भी हरा रंग होता है, तो इसके लिए हरे रंग से है होली खेलने से मिथुन राशि वाले को इस साल और आने वाले समय में काफ़ी अच्छा साथ मिल सकता है। और कर्क राशि के बारे में क्या बताएंगे? काल पुरुष की चौथी राशि होती है कर्क राशि, जिसका स्वामी होता है चंद्रमा। चंद्रमा के आगे जलीय तत्व होता है, तो इसके अंदर भी इसका सफेद रंग होता है, तो सफेद वास्तव में स्मरण शक्ति का प्रतीक होती है। जो बच्चे एजुकेशन दे रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनको हमेशा सफेद रंग के साथ में फॉलोअर करना चाहिए, तो सफेद रंग के करने के कारण उनके जीवन में स्मरण शक्ति उनकी अच्छी रहेगी, मानसिक विकास उनका अच्छा होगा, तो कर्क राशि वालों के लिए सफेद रंग शुभ रहता है। सुशील जी माफ कीजिएगा, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि व्हाइट के साथ एक और कलर होना चाहिए, व्हाइट तो ठीक है हम लगा रहे हैं क्योंकि हमारी राशि का रंग है, अगर उनको एक और कलर का चयन करना हो तो कौन सा करेंगे? व्हाइट, व्हाइट के अलावा अगर सब्स्टिट्यूट उनका कोई कलर का चयन करना है तो गुलाबी कलर को चयन कर सकते हैं। चलिए गुलाबी कलर हर कलर के अंदर मिक्स हो सकता है,
और काफी सुखता का प्रतीक भी होता है गुलाबी रंग। चलिए हमारे साथ विमल सिंह जी, गुलाल के साथ में, गुलाल के साथ में होलो खेलने से जो चंद्रमा का जो इफेक्ट होता है कर्क राशि वालों का, वो भी उसमें शुभ हो जाता है। चलिए विमल सिंह जी भी मौजूद है, विमल जी आऊंगी बस आपके पास, लेकिन पटना के लोग किस तरीके से होली मना रहे हैं और वो किस कलर को अपने लिए बेस्ट मानते हैं वो भी दिखाते हैं आपको। I like colors like yellow, magenta, red, navy blue and all kind of colors that give happiness and joy to this festive season. I like all those colors. मुझे ज़्यादातर लाइट कलर्स पसंद है और रंग से ज़्यादा हो सकता है कि बच के रहूँ ऐसा फील होता है एंड हर्बल ज़्यादा प्रेफर करूँगी क्योंकि वो स्किन के लिए भी अच्छा होता है एंड कलर लेकिन बहुत डार्क कलर जो होते हैं वो पानी का जो वेस्ट जो होता है वो ज़्यादा पसंद नहीं है मुझे। हमारा पसंदीदा कलर हरा है क्योंकि ये बहुत ही सादगी का कलर है, इससे हमें हमारे अंदर पॉजिटिवनेस आती है और हम चाहते हैं कि लोग होली को हर रंग से ही मतलब खेल करके और शुभ शुभ तरीके से आगे बढ़े। बुध का रंग माना जाता है हरा, यानी अगर हरा रंग आपको पसंद है इसका मतलब ज्ञान की तरफ आप बढ़ रहे हैं और बहुत से कलर और बहुत कुछ बताते हैं, क्या कुछ बताते हैं चर्चा करेंगे। तो होली मना रहे हैं हम सभी मिलकर, आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, फिर से परिचय करा देती हूँ। सुनीता छापरा जी हमारे साथ हैं, अजय भांबी जी हमारे साथ हैं, दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भविष्य वक्ता हैं विमल सिंह जी और सुशील कुमार जोशी जी हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। विमल जी मैं आपके पास आना चाहूंगी अब, क्योंकि हर रंग कुछ कहता है, तो अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि लोगों को अगर ना पता हो कि हमें किस पर्टिकुलर, हालांकि सुशील जी समझा रहे हैं कि आप अपनी राशि के हिसाब से कौन से रंग का चयन कर सकते हैं, लेकिन कोई एक कलर अगर हमें यूज़ करना हो कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं और हम कभी भी वो कलर एवरग्रीन है कभी भी यूज़ कर सकते हैं होली पे, ग्रह गोचर के हिसाब से अगर आप बताएं तो कल कौन सा, यानी होली के दिन कौन सा रंग यूज़ करना चाहिए? देखिए गुलाल की जो बात होती है जिसको कहते हैं गुलाबी रंग, गुलाबी रंग एक अपने आप में एक ऐसा रंग है क्योंकि ये इस रंग को पहनने वाला व्यक्ति उसके अंदर एक इस रंग का कुछ इस तरह का प्रभाव होता है कि आदमी हर एज ग्रुप में बड़ा आराम से मिल जाता है और गुलाबी रंग पहनने वाला व्यक्ति हमेशा काम को वो थोड़ा उसकी सोच बदलती है, वो सिस्टमेटिक तरीके से काम करेगा, एक डिसिप्लिन में रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ वो जिस माहौल में जाएगा उस माहौल में ढल जाएगा, वो खुश रहता है। सबसे बड़ी चीज़ है क्यों गुलाबी रंग पूरी दुनिया में पॉपुलर है, गुलाबी रंग का एक अलग ही महत्व, उसमें खुशी बनी रहती है अंदर और वो कहीं भी बैठेगा तो मजाक भी कर सकता है। बस एक थोड़ी कमी आती है कि जब मजाक वो करता है चाहे क्रैक करता है जोक अपने ऊपर शायद उतनी उस तरह से ना ले पाए, बाकी गुलाबी रंग में एक डिसिप्लिन है, एक बचपना भी है और हर एज ग्रुप में चाहे 80 साल का आदमी हो चाहे 8 साल का बच्चा हो सभी के साथ घुल, इसलिए गुलाबी रंग जो है बहुत अच्छी तरह से स्वीकार किया जाता है। तो हम तो लोगों को कहेंगे गुलाबी रंग जरूर अपनी चीज़ों में इस्तेमाल करें, जैसे आप कल होली है गुलाल का तो यूज़ करते ही हैं, फेमस है, आप गुलाबी रंग अगर अपने दरवाजे पे भी लगा दें तो कोई मेहमान आता है तो जब देखता है गुलाबी रंग तो वो गुलाबी रंग चुभेगा नहीं आपको, अगर वहाँ ही अगर काला रंग हो तो थोड़ी देर बाद चुभेगा, अरे यार बस अब हटा लो। विमल जी गुलाबी रंग अगर कलर ना लगाया जाए कोई गुलाबी रंग की चीज लगाई जा सकती है, वस्तु लगाई जा सकती है दरवाजे पर? हाँ गुलाबी रंग की कोई भी चीज आप लगाइए, देखिए गुलाबी रंग का एक अलग महत्व इसलिए कि कोई सूर्य की किरणें भी जब उस पर पड़ती हैं गुलाबी रंग पे तो वो एक अलग तरह से परावर्तित होती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं, तो उसका एक साइंटिफिक रीजन भी है, उसको भी अभी हम एक लाइन में एक्सप्लेन करेंगे कि गुलाबी रंग क्यों हम बार बार फोर्स करते हैं लोगों को। और उसके अलावा गुलाबी के अलावा एक रंग और भी है सफ़ेद, सफ़ेद रंग को भी अगर आप देखिए तो सफ़ेद हम कल होली में नहीं इस्तेमाल कर सकते, नहीं सफ़ेद पहन सकते हैं, उसके ऊपर कोई गुलाबी रंग की कोई चीज़ डाली है चाहे गुलाल ही छिड़क लिया वो एक अलग निखार आता है, एक अलग खूबसूरती और प्लस आप नेचर के साथ रहते हैं, ये एक गुलाबी रंग का प्रभाव इसीलिए लड़कियों में जितना वैसे भी पूरे विश्व में पॉपुलर है। वैसे भी कहा जाता है कि प्रकृति के जितना नजदीक आप रहेंगे उतनी पॉजिटिविटी आपके अंदर रहेगी और उतने ही चेहरे पर नूर रहेगा और उतने ही ज्यादा खुशहाल रहेंगे। सुशील जी अगली दो राशियां सिंह और कन्या के बारे में बताइए। काल पुरुष की पांचवी राशि होती है सिंह राशि, सिंह राशि के अंदर अपने को पता है कि उगते हुए सूर्य का कलर अलग रहता है, दोपहर को अपने को अलग कलर दिखता है, तो मिश्रित कलर से आप होली खेल सकते हैं, अलग अलग रंगों के साथ आप होली खेल सकते हैं और इसका जीवन के अंदर व्यापक प्रभाव पड़ता है। तो सिंह राशि वालों के लिए मैं ये बोलूँगा कि अलग अलग कलर से आप होली को खेलिए, अलग अलग रंगों को जीवन में रंगिए, उससे जीवन के अंदर जो भाव आएगा वो एक पॉजिटिवता की तरफ आपको लेके जाएगा। कन्या राशि की सिंह राशि,
सिंह राशि के बाद में कन्या राशि आती है, कन्या राशि का स्वामी बुध होता है, तो कन्या राशि का रंग भी हरा होता है, तो जीवन के अंदर हरियाली लाता है, तो जीवन के अंदर प्रकृति ने जो गुण दिए हैं उनका समावेश करते हुए जीवन को आगे लेके जा सकते हैं। तो कन्या राशि वालों के लिए हरा रंग काफी शुभता का प्रतीक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट कलर्स होते हैं, नीला, हरा, पीला, गुलाबी। और गुलाबी जिस तरीके से विमल जी बता ही रहे थे कि अगर एक कलर आपको चूज करना हो तो आप एक यूनिक कलर है गुलाबी जो कि यूज कर सकते हैं। भाभी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, बहुत सोशल इम्पैक्ट भी होते हैं इस फेस्टिवल के। कहते हैं कि दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। होली एक ऐसा त्योहार है जब हर कोई एक ही रंग में रंगा नजर आता है और चेहरे भले ही देखे ना देखे गले मिल जाते हैं सब लोग। होली में गाँव में तो आज भी बड़ा इसका प्रचलन है कि अगर मान लो आपकी किसी से मनमुटाव हो गया है, छोटी बड़ी दुश्मनी हो गई है, तो होली का लोग इंतज़ार करते हैं कि होली आएगी तो जाके उसके घर में रंग लगाएंगे, गले मिलेंगे। तो ये एक सद्भावना का त्यौहार है जहाँ पर कि जो भी हमारे भीतर कुछ हो ही जाता है तो होली के दिन आपने रंग लगाया, गले मिले, नाचे गाए, खाना पीना हुआ, तो सारी चीज़ें ऐसी हैं कहीं ना कहीं जोड़ देती हैं। और यहाँ पर छोटे बड़े का नहीं रहता। और आगे चले तो गाँव में जैसे यहाँ वृंदावन में लठमार होली भी होती है और गाली गलौच वाली होली भी होती है। तो आज के दिन अगर कोई गाली देने को बुरा भी नहीं मानता, दिल की भड़ास निकालने के लिए भी दिन अच्छा है। तो सारा कुछ निकल आया तो आपने सब मजाक में कह दिया, उसने भी कह दिया, अच्छा ठिठोरी होती है, मजाक होता है, एक दूसरे की क्या बोलते हैं कि टांग खिंचाई टाइप ना, कुछ भी कह दिया तो बुरा नहीं मानता ना ही आदमी उस भावना से बात करता है। हाँ। उसका जो बहुत व्यापक और करता है, भी है तो बाद में कह देता है बुरा ना मानो होली है, ये भी कह देता है। तो एक तो भड़ास निकल गई, अच्छा आपने कहा तो मैंने भी तो कह दिया ना। हाँ। बात तो बराबर होगी, होली दोनों की होगी। सुनीता, इस दिन वैसे तो तमाम रंग, हर रंग का अपना महत्व होता है, लेकिन कोई एक ऐसा रंग भी होता है जिसको कहते हैं कि उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए उस दिन? नहीं, ऐसा कोई रंग नहीं होता कि कोई भी। देखो इस समय ना एक वेदर चेंज हो रहा होता है हमारे इसमें, सीजन विंटर्स ख़त्म होती हैं और नेक्स्ट वेदर जो आने से, तो क्या होता है कि इस समय कोल्ड्स एंड इन्फेक्शन और फ्लूज होने के बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए भी होली मनाई जाती है कि कलर्स की जो होली हम खेलते हैं उससे तो हमारे सभी वायरल्स और स्वाइन फ्लू जैसे जिस तरह से भी फैला, तो वो हर्बल होली खेलें। तो आपके जैसे फॉर इंस्टेंस बहुत सारे आपने अभी लोगों से पूछ रहे थे, कोई कह रहा था मुझे रेड कलर बहुत अच्छा लगता है, तो रेड कलर से क्या होता है कि पैशन है, लव है, एंथुजियाज़म है, उसकी अपनी करेक्टरिस्टिक को भी शो करता है। और किसी ने कहा येलो, अगर हम उसमें टर्मरिक यूज़ करते हैं, हल्दी यूज़ करते हैं, तो येलो कलर से इन्फेक्शंस भी टर्मरिक हल्दी से यूज़ होते हैं। और मैरीगोल्ड जैसे गेंदे के कलर्स होते हैं उससे प्रॉस्पेरिटी, मंगल कहते हैं कि होता है। तो कलर्स के साथ साथ मतलब कोई भी कलर है, इवन मैंने अभी आपके प्रोग्राम में सुना, एक बंदे ने, व्यक्ति ने सबसे कहा कि हरा रंग मुझे बहुत पसंद है। हरा इंटेलेक्ट का होता है, डिफरेंट मत होती है हर व्यक्ति की, लेकिन सोच को एक करने का फेस्टिवल ही होली है। होली है। चलिए तुला और वृश्चिक की बात करते हैं। सुशील कुमार जी, आपके पास आना चाहूंगी। तुला राशि और वृश्चिक राशि वालों को अपनी राशि के हिसाब से कौन सा कलर पहनना चाहिए, किस कलर का इस्तेमाल करना चाहिए और लगाना चाहिए? तुला राशि का स्वामी होता है वो होता है शुक्र ग्रह, जो कि क्या है कि ऐश्वर्य का प्रतीक है। तो तुला राशि वालों को हमेशा सफेद कलर का चयन करना चाहिए, वो उनके जीवन में ऐश्वर्य, सुख साधनों की समृद्धि करता है, वृद्धि करता है। तो तुला राशि वालों के लिए मैं यह सलाह दूंगा कि वह हमेशा सफेद कलर का चयन करें तो उनके जीवन में हमेशा शुभता रहती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए मैं यह कहूँगा कि वृश्चिक राशि का स्वामी लाल है, तो लाल कलर का रंग वृश्चिक राशि वालों के लिए हमेशा शुभता रहता है। लाल रंग जो है वो शक्ति का प्रतीक है, शुभता का प्रतीक है, और जीवन में आगे बढ़ने के लिए लाल कलर का प्रयोग करना चाहिए। लाल कलर हमेशा मांगलिक कार्यों के अंदर भी उसको बहुत शुभ माना गया है, कि आपने देखा होगा कि हमारे कई परिवारों के अंदर स्त्रियाँ हैं वो लाल कलर का चयन करती है, लाल साड़ियाँ पहनती है, तो उसको मांगलिक चिन्ह के रूप में भी लाल कलर को काफ़ी शुभता प्रदान की जाती है। चलिए जम्मू काम लिए चलते हैं अब अपने तमाम दर्शकों को, क्योंकि होली का रंग हर जगह पे बिखरा हुआ है। जम्मू के लोग किस रंग से होली खेल रहे हैं और उनका फेवरेट कलर कौन सा, और क्या लगता है उनको कि किस रंग से उनको होली खेलनी चाहिए, जरा जानते हैं लोगों की राय। होली है, कौन सा कलर आपका सबसे पसंदीदा कलर? सर ग्रीन। और इस साल आप कौन सा कलर यूज करोगे? सर करेंगे तो सारे यूज ग्रीन, थोड़ा ज्यादा करेंगे। देखिए इसमें रंग तो सभी एक जैसे होते हैं,
लेकिन अपना अपना पसंदीदा एक रंग होता है, हर बंदे का एक अपना रंग होता है। इसमें मेरा अगर पूछा जाए तो मेरा एक पिंक कलर पसंद है मुझे सबसे ज्यादा। तो इस साल आप कौन सा रंग? मैं ऑब्वियस है कि मैं अगर मुझे पिंक रंग पसंद है तो मैं पिंक रंग ही इस्तेमाल करूंगा लोगों को लगाने के लिए। जैसे मेरे बहुत दो तीन कलर मुझे पसंद है, व्हाइट है, रेड है और ब्लैक है, और ऑब्वियसली मैं ज्यादा यूज करता हूँ रेड, मुझे ज्यादा पसंद है। देखिए भगवान ने जितने भी रंग बनाए हैं सब सारे अच्छे ही बनाए हैं, लेकिन ज्यादातर हम यूज करते हैं रेड को, क्योंकि मतलब एक अलग कशिश होती है, एक अलग लगाव होता है इसके साथ। इस साल आप कौन सा रंग इस्तेमाल करेंगे? रेडी प्रोबेबली यूज ही करेंगे सबसे ज्यादा। क्या बात है, होली के रंग यहाँ पर छिटके पड़े हैं। तो आप लोग होली मना रहे हैं, क्यों ना आज दुश्मनों को भी दोस्त बना लिया जाए, दोस्ती उनसे कर ली जाए। बस आपको करना कुछ नहीं, अपनी राशि के हिसाब से अपना कलर सिलेक्ट करना है और जाके उनको मल देना है, बस उसके बाद देखिए दोस्ती हो जाएगी। सुशील कुमार जी के पास चलते हैं, धनु और मकर राशि की बात करेंगे। धनु राशि वालों को कौन सा कलर लगाना चाहिए? धनु राशि वालों को येलो कलर का ही उपयोग करना चाहिए। पीला कलर है वो विशेष रूप से मैं आज कहना चाहूँगा, कल शुक्रवार है, तो गुरुवार को होली है, तो पीले रंग का विशेष महत्व है इसके अंदर। और जिन लड़कियों की शादियाँ नहीं हो रही वो अगर होली के दूसरे दिन येलो कलर से अगर वो खेलती है होली, तो उनके वैवाहिक सुख का उनको काफ़ी लाभ होता है। धनु राशि के बाद में बात करूँगा मकर और कुंभ राशि की। मकर और कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है, तो शनि का रंग वैसे ब्लैक होता है, लेकिन नीला रंग भी उसके लिए काफ़ी फायदेमंद होता है, और जीवन के अंदर यश, सुख, शांति और समृद्धि का उसमें आपको लाभ हो सकता है। तो मकर और कुंभ राशि वालों के लिए यह होली नीले रंग और काले रंग के साथ में खेलने से काफ़ी शुभता प्रदान करेगा। और उसके बाद में अंतिम राशि आती है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए मैं कहूँगा कि इनका लॉर्ड भी गुरु होता है, तो उसका कलर भी पीला होता है, तो पीले रंग के साथ में आप होली खेलिए। और सबसे बड़ी बात मैं आज यह कहूँगा कि होली आप सबको मुबारक हो, लेकिन सबसे बड़ा रंग होता है मानवता का रंग, मनुष्यता का रंग। तो ज्योतिषीय प्रभाव के अनुसार सबसे पहले अपने में प्रेम, करुणा और सद्भाव का रंग अपन विकसित करें, यही मतलब ज्योतिषीय प्रभाव होता है। मनुष्य मनुष्य को समझे, मानवता मानवता को समझे, हम सबके हैं, सब अपने हैं, यही मतलब होली के ऊपर होना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने कही। विमल सिंह जी, आपसे आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को होली के दिन? देखिए होली त्यौहार एक ऐसा, ईश्वर की कृपा है कि हम लोग के यहाँ एक ऐसा ये त्यौहार है, ये एक ऐसा त्यौहार होता है कि जिस दिन किसी का कोई एक पर्टिकुलर बैनर नहीं होता, इस दिन सारी चीजों को, सारे आडंबर को आप हटा देते हैं और आप एक रंग में रंग जाते हैं। और ये त्यौहार तो अपने आप में हम लोग के लिए एक ब्लेसिंग है ऊपर वाले की तरफ से, इसको तो बहुत खुशी से अब बिना गिले शिकवे के सारे दीवारों को गिरा करके मनाना चाहिए। और इसके अलावा एक चीज़ और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बताना चाहते हैं एक रंग के बारे में, जैसे हर रंग किसी न किसी व्यक्ति का हर रंग होता है, ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन कुछ रंगों से आदमी को दिन में जरूर अवॉइड करना चाहिए। जैसे काला रंग बहुत ज्यादा पॉपुलर होता है, काला रंग दिन में इसलिए नहीं पहनना चाहिए क्योंकि सन रेज उसमें सूर्य रहता है, जो सन रेज पड़ती हैं तो काले के थ्रू वो कुछ अल्ट्रा वायलेट रेज जो है जरूर थोड़ा आपकी बॉडी में ट्रेवल करती है, इसीलिए जो माइग्रेन की जो प्रॉब्लम है पूरे आज इंडिया में बढ़ रही है। वेस्टर्न वर्ल्ड में आप दिन भर काला पहनिए, वो ठंडा मुल्क है, यहाँ पर काला दिन में मत पहनिए, रात में वो भी रंग नेचर और प्रकृति के हिसाब से अवॉइड करना चाहिए जी। भांबी जी, आपसे जानना चाहूंगी कि जी जी विमल जी, वक्त की कमी माफ कीजिएगा, भांबी जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, कह रहे कि जो प्रदूषित हवा होती है क्योंकि होलिका दहन में भी वो अग्नि जो हम प्रज्वलित करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसमें कुछ अहम चीजें डालनी चाहिए ताकि हवा भी क्योंकि चेंज ऑफ वेदर होता है तो वो भी प्योर हो जाए। एक तो जितने भी हम दहन करते हैं उससे वातावरण शुद्ध होता है अंत में, लेकिन आजकल मैं ऐसा भी सुन रहा हूँ कि अगर होलिका दहन के दिन उसमें कपूर और इलायची डाल दी जाए तो ये जो भी स्वाइन फ्लू टाइप की चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। और एक और होली का एक और लाभ है, ये तो वैसा लाभ है, आदमी हर आदमी अपना एक मुखौटा ओढ़े हुए रहता है, हर आदमी के चेहरे पे एक मास्क है,
होली एक ऐसा त्यौहार है कि जब आप अपना मास्क उतार देते हैं और अपने अपने रियल अपने से परिचित होते हैं कि मैं किस तरह का आदमी, मैं लोगों के प्रति कैसी भावनाएं रखता हूं, कैसा मैं सोचता हूं, क्या मेरा सोच है और कैसे मैं लोगों से क्लोज हूं और कैसे मैं अपने गिले शिकवे भूलूं। तो मेरे को लगता है अगर हम अपना मास्क उतार के होली मनाएं तो एक अलग होली बहुत जरूरी है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। सुनीता आपको भी बहुत बहुत बधाई होली की। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। Oh, my God.